कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो माते संगोस्त विकर्मणि। धरती मां जिसका स्पर्श पाकर आभूषण स्वयं अपने भाग्य को धन्य समझे, आभूषण उसकी शोभा क्या बढ़ाएंगे, जिसका नाम सुनते ही वातावरण सुगंधित हो जाए, पुष्पों की सुगंध उसको क्या सुगंधित कर पाएगी, जो स्वयं श्रृंगार हो उसे श्रृंगार की क्या आवश्यकता। देवी अनुसुईया ने जनक नंदिनी सीता को दिव्य आभूषण अवश्य दिए, किंतु सीता की सुंदरता को किसी आभूषण की कोई आवश्यकता नहीं। मैं जानती हूं सीता को दिव्य आभूषणों से सुसज्जित देखकर मेरे मन में जो विचार उठ रहे हैं श्री राम भी यही सोच रहे होंगे। दिव्याभूषण माता अनुसुईया ने मुझे दिए हैं। सीता, किसी सांसारिक वस्तु को आपका शरीर छूकर दिव्य होते हुए आज प्रथम बार देखा है। श्री राम, आपको विदा करते हुए हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है। ऋषिवर, आपका स्नेह पाकर हम धन्य हो गए। आपका यह स्नेह हमें सदैव स्मरण रहेगा। माता अनसुईया, आपने हमें मेरी तीनों माताओं का स्नेह एक साथ दे दिया। हम आपके ऋणी हैं। ऐसे महान अतिथि ने हमारे आश्रम में पग धरे, ये हमारा सौभाग्य है। जाओ पुत्री, ईश्वर सदा तुम्हें सुखी रखे। माता, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव पातिव्रत धर्म पर अडिग रहूं। तुम पातिव्रत धर्म का इतिहास हो चुकी पुत्री। स्वामी, देवी, मैं आपके सुंदर नेत्रों से झांकते प्रश्न को जानता हूं, परंतु प्रश्न क्या है यह मैं आप ही के मुख से सुनना चाहता हूं। हे देवाधिदेव, आपसे क्या छुपा है? आप तो स्वयं ज्ञान की ऊंचाइयों और रहस्य की गहराइयों तक पहुंचे हुए हैं, परंतु मेरे मन को एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा।
मैं जानने को उत्सुक हूं। हे भोलेनाथ, कैकेयी ने महाराज दशरथ से केवल यह वचन लिया था कि राम अयोध्या से दूर किसी वन में जाकर वास करेंगे। राम तो कोई भी वन चुन सकते थे, फिर उन्होंने दक्षिण का क्षेत्र और पंचवटी का मार्ग क्यों चुना? देवी, मेरे आराध्य का कोई भी कार्य बिना कारण नहीं होता। उनके हर कार्य में कारण और हर कार्य में मानवता का कल्याण निहित होता है। दक्षिण का क्षेत्र और पंचवटी का मार्ग चुनने का संबंध भी मानव कल्याण से ही। मैं यही जानना चाहती हूं भोलेनाथ, दक्षिण के क्षेत्र और पंचवटी के मार्ग में महान ऋषि और उनके आश्रमों की बहुतायत है। ये ऋषिगण राक्षसों के आतंक से त्रस्त है, जिनकी इस क्षेत्र में भरमार है। मेरे आराध्य श्री राम ने धरती पर जन्म ही इसलिए लिया है कि वे आश्रम संस्कृति की रक्षा और राक्षस प्रवृत्ति का सर्वनाश कर सके। इस क्षेत्र और इस मार्ग को चुनने का यही कारण है। हम आप सबके आभारी हैं ऋषिगण, आपने और आपके गुरु अगस्त्य मुनि ने हमारे लिए जो कष्ट उठाया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब आप लौट सकते हैं। हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिला, यह हमारा सौभाग्य है। आप इसी मार्ग पर दक्षिण की ओर बढ़ते जाएंगे तो कुछ दूर जाकर आपको एक ही स्थान पर 5 वट के वृक्ष मिलेंगे, वही पंचवटी है। अवन का यह झोंका बड़ी असहनीय दुर्गंध साथ लाया है। यह दुर्गंध उसी आतंक की है जिसने इस क्षेत्र को अपनी घिनौनी छाया से ढक लिया है। किसने फैलाया है आतंक? दुष्ट राक्षसों ने, लंकेश रावण के वंशजों ने और सैनिकों ने। हे श्री राम, इस क्षेत्र में अनगिनत ऋषि आश्रम हैं और ये ऋषि नरभक्षी राक्षसों का आहार बन रहे हैं। नित्य दिन राक्षस उन्हें मारते हैं और उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। हे श्री राम, ऋषियों का जीना दुभर हो गया है, दुभर हो गया है। हे ऋषिगण, इस संसार में आश्रम संस्कृति एवं शांति अत्यंत आवश्यक है, इन्हें कोई समाप्त नहीं कर सकता। मैं ये प्रण करता हूं कि आश्रम संस्कृति को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। और मैं ये भी प्रण करता हूं ऋषिवर कि इस धरती से राक्षसों का नाम मिटा दूंगा। आप धन्य हैं, धन्य हैं, आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। क्या हुआ देवी? नहीं नहीं सुमित्रा नंदन, नहीं, बाण मत चलाना, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं मित्र हूं। रुक जाओ अनुज। राताश्री, ये किसी राक्षस की माया भी हो सकती है, किंतु सत्य जाने बिना प्रतिकार करना अनुचित है अनुज। यदि ये राक्षस होता तो तुम्हें सुमित्रा नंदन कहकर नहीं पुकारता। Thank you.
कौन हैं आप? आपका विशाल काय शरीर देखकर मेरी पत्नी जानकी तो अत्यंत भयभीत हो गई थी। मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके पिता श्री महाराज दशरथ का मित्र हूँ। मेरी महाराज से यही भेंट हुई थी जहाँ आप तीनों खड़े हैं। बहुत समय हो गया इसको। महाराज शब्द भेदी बाण विद्या का अभ्यास करने यहीं आए थे। 7 दिन की तपस्या के लिए महाराज दशरथ इसी स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। लीन मानव पर हाथ उठाना तो राक्षस परंपरा के भी विरुद्ध है। जब हमें भूख लगती है तो हमारी परंपरा भूल जाते हैं। ये तो हमारा आहार है। तुम बीच से हट जाओ। बता भी नहीं। तुम नहीं जानते हम कौन हैं? हम लंकेश के भ्राता खरदूषण के सैनिक हैं। तुम कोई भी हो, मेरे रहते इस मानव को हाथ नहीं लगा सकते। ये यूं नहीं मानेगा, पहले इसे कोई समाप्त करना होगा। इतना विशाल पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा। कौन है आप और ये दुष्ट राक्षस आप पर आक्रमण क्यों कर रहे थे? मैं भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के भ्राता अरुण का पुत्र जटायु हूं। दुष्ट राक्षसों ने आपको तपस्या में लीन देखकर आप पर आक्रमण करना चाहा। ये मैं सहन न कर सका और मैंने इन्हें रोके रखा। धन्य है आप। अयोध्यापति दशरथ आपके प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करता है। आप रघुवंशी सम्राट दशरथ हैं। आपके दर्शन करके तो मैं धन्य हो गया। मेरी मित्रता स्वीकार कीजिए। आपकी मित्रता स्वीकार करना तो मेरा सौभाग्य है। अब ये मित्रता कभी नहीं टूटेगी। कभी नहीं, मेरे जीवन के अंतिम श्वास तक नहीं। मेरे मित्र कैसे हैं और कहां हैं? पिताश्री ने स्वर्ग में वास कर लिया है। आह मित्र,
किंतु स्वर्ग में उन्हें बहुत देर अकेले नहीं रहना पड़ेगा। मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं, शीघ्र ही अपने मित्र से जा मिलूंगा। आप सब कहां जा रहे हैं? हम सब पंचवटी की ओर जा रहे हैं। यहां से कितना दूर है? अधिक दूर नहीं, आइए मेरे साथ। वट के इन पांच वृक्षों के एक ही स्थान पर होने के कारण इस स्थान को पंचवटी के नाम से पुकारा जाता है। कितना मनोरम स्थान है, आपको कैसा लगा देवी? जिस स्थान पर आपके पग पड़ जाए स्वामी, वो स्थान तो धरती पर भी स्वर्ग बन जाएगा। अनुज, आज्ञा भ्राताश्री। आज मैं तुम्हारी धनुर्विद्या का चमत्कार देखना चाहता हूँ। आज्ञा भ्राताश्री। मैं यहाँ पर एक ऐसा निवास स्थान देखना चाहता हूँ जहाँ से एक ओर से नदी के दर्शन हो और दूसरी ओर यह हरा भरा उपवन दिखाई दे। आपकी आज्ञा का पालन होगा भ्राताश्री। सुंदर, अति सुंदर। अनुज, राधाश्री, ये सब गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद है। आपकी आज्ञा का पालन हुआ। चलिए अपने निवास स्थान में प्रवेश कीजिए। आइए। नहीं अनुज, निवास स्थान में प्रथम प्रवेश तो नारी का ही होना चाहिए, क्योंकि नारी घर की शोभा ही नहीं लक्ष्मी भी होती है, और लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं सुख शांति की देवी भी है। आइए देवी। जानता था यह मेरे अनुज विभीषण की आराधना का समय है, इसी कारण मैंने तुम्हें बुला नहीं भेजा। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं अनुज कि मैं बहन शूर्पनखा को लेकर भ्राता खरदूषण के राज्य जा रहा हूं। नहीं भ्राताश्री, नहीं। आज आप लंका के बाहर पग भी नहीं धरेंगे। विभीषण, क्षमा कीजिए भ्राताश्री, मैं छोटा हूं, आपको आज्ञा तो नहीं दे सकता, किंतु इसे मेरी विनती समझिए या अनुरोध कहिए, पर आज आप कहीं मत जाइए। परंतु तुम इतने भयभीत क्यों हो विभीषण? मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं भ्राताश्री,
मेरी ज्योतिष विद्या मुझे बता रही है कि आज आपका लंका से बाहर जाना उचित नहीं है। कोई बहुत बड़ा संकट आपकी ओर बढ़ रहा है। संकट? तुम बार बार ये क्यों भूल जाते हो अनुज, कि संसार का बड़े से बड़ा संकट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मुझे स्वयं ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। मैं जानता हूं, भली भांति जानता हूं भ्राताश्री, किंतु मैं अपनी ज्योतिष विद्या को भी इतने झुटला सकता? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आपके पांव पड़ता हूं, कम से कम आज तो आप कहीं मत जाइए, मेरी विनती मान लीजिए भ्राताश्री। अनुज विभीषण, तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना स्नेह करता हूं, और तुम ये भी जानते हो कि मेरा निश्चय अडीग होता है, जिसे संसार में कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण, स्वर्गाधिपति रावण। परंतु मैं अपने अनुज का हृदय भी नहीं तोड़ सकता। यदि तुम कहते हो अनुज, तो आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भ्राताश्री, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों क्यों नहीं चलेंगे आप भ्राताश्री? बहन, तुम्हें तो ज्ञात है कि मेरे जीवन में तुम्हारा और अनुज विभीषण का जो स्थान है वो अन्य किसी को प्राप्त नहीं। अनुज विभीषण का अनुरोध है कि उसकी विद्या कहती है कि आज मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए, और मैं उसके अनुरोध को टाल नहीं सकता। इसी कारण तुम्हें भ्राता खरदूषण के पास जाना होगा। मैं उसे संदेश भिजवा चुका हूं। मुझे तो जाना ही था, मुझे मेरे जीवन का अकेलापन कहीं चैन नहीं लेने देता। जानता हूं, मैं तुम्हारे पति के वध को भूल नहीं पाया हूं, और ना ही कभी भूल पाऊंगा। मुझे उसका असीम खेद है बहन, परंतु मैंने तो तुम्हें वचन दिया था कि जिस दिन तुम अपने लिए जीवन संगी चुन लोगी, उस दिन मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं होगी। भ्राताश्री, जिस दिन मेरे जीवन में कोई आया, सबसे पहले मैं आप ही को बताऊंगी। सदा सुखी रहो। दुष्टों, क्यों इन असहाय ऋषिगण को आतंकित कर रहे हो? ए मानव, तू नहीं जानता हम कौन है। हम रावण के भ्राता खर और दूषण के सेना नायक तिरिश्रवा है। इन ऋषियों को हमें दे दो। ये ऋषिगण मेरी शरण में आए हैं, और मेरी शरण में आए हुए किसी व्यक्ति को
कोई छू भी नहीं सकता। तुम सेना नायक तिरसा को ललकार रहे हो तो ये लो। धन्य है आप, धन्य है प्रभु, धन्य है, धन्य धन्य है प्रभु। बहन शूर्पणखा, मुझे गर्व है कि मैं खर और दूषण जैसे वीर भाइयों की बहन हूँ, जिनका खड़क पाषाण के हृदय को भी चीर सकता है। वीर बहन शूर्पणखा, आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा। मैं तो समझा था तुम तो हमें भूल गई, हम सौतेले भाई जो ठहरे। कदापि नहीं, मैं अपने सौतेले भाइयों से भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना अपने सगे भ्राता लंकेश रावण से। मेरा तीसरा भ्राता त्रिशला कहाँ है? त्रिशला अभी वन में आखेट खेलने गया है, अभी आता ही होगा। बहन तुम भी इधर राजभवन में जाओ, हम अभी आते हैं। क्या हुआ भ्राता त्रिशरा, तुम्हारी ये दशा किसने बनाई? क्या बताऊं बहन सुर्पणखा, ऋषियों को मारने गया था, पंचवटी में न जाने कहां से एक मानव आ गया जिसने मेरे सारे साथियों को मार डाला। मैं बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाकर भाग पाया हूँ। मानव? देखने में तो मानव ही लगता है किंतु महावीर लगता है, अपार शक्ति है उसमें, लगता है सारे संसार में उसे कोई हरा नहीं सकता। मुझे विश्वास नहीं होता। पर मुझे विश्वास है, मैं उसका सामना कर चुका हूँ, मेरे जैसा वीर उसे हरा नहीं सकता, लगता है उसे कोई हरा ही नहीं सकता। व्रताखर और दूषण के साथ मिलकर उस पर आक्रमण करने के अतिरिक्त और कोई उपाय समझ में नहीं आता, न जाने कौन है वो मानव। कोई भी हो परंतु ऐसा मानव है देखने योग्य। सुनो भ्राता त्रिशरा, अभी भ्राता खर और दूषण से कुछ न कहना, पहले मैं पंचवटी जाकर देखती हूँ कि कौन है वो जो राक्षसों से भयभीत नहीं होता। नहीं नहीं बहन, अकेली मत जाना, कहीं वो तुम्हें क्षति न पहुंचा दे। क्षति? और मुझे? मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता क्योंकि मैं खर, दूषण, त्रिशरा और लंकेश रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। शूर्पणखा। सूर्याय नमः, ओम रवये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। यही है वो मानव भ्राता त्रिशरा जिसकी बात कर रहे थे। नहीं नहीं, ये मानव नहीं, मानव तो मैंने बहुत देखे हैं, ये तो त्रिलोक का कोई देवता लगता है,
जो भटक कर पृथ्वी पर आ गया है। ओम सवित्र नमः। ये मानव नहीं हो सकता, ये तो लगता है सूर्य की किरणों ने मानव का रूप धारण कर लिया हो। इसके मुख पर तो दृष्टि ही नहीं ठहर पा रही। ओम प्रभाकराय नमः। चेतनखा, ये तुझे क्या हो गया है? अपने शत्रु से ही तुझे प्रेम हो गया? ये तो वही है जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। आज पहली बार मुझे विश्वास हो रहा है कि भ्राता श्री लंकेश ने मेरे पति का वध करके अच्छा ही किया। मैं तो इसके लिए ही बनी हूं। नहीं, मैं तो इसे क्षति पहुंचाने की सोच भी नहीं सकती। इसे तो कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। ये मेरा प्रेम है, मेरा स्वप्न है, मेरा पति है। हाँ, यही मेरा पति है। अब मेरे खोज का अंत हुआ। मेरे होते हुए इसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, कोई नहीं पहुंचा सकता। यह जानते हुए भी कि वह मानव हमारे कई राक्षसों का वध कर चुका है, तुमने बहन शूर्पणखा को वहां अकेले जाने ही क्यों दिया? मैं क्या करता, उसी ने कहा था आपको न बताया जाए। वह स्वयं जाकर देखेगी, आप तो परिचित है उसके हाथ से। यदि उसे कोई क्षति पहुंची तो राजा रावण को हम मुंह दिखाने के योग्य ना रहेंगे। बहन शूर्पणखा, कहाँ खोई भी हो तुम? उस मानव ने तुम्हें किसी प्रकार की कोई क्षति तो नहीं पहुंचाई? क्षति? हाँ, पहुंचाई है, घायल कर दिया है उसने मुझे। घायल कर दिया? किसी प्रकार का कोई घाव नहीं दिख रहा और तुम कहती हो तुम्हें घायल कर दिया? दिखाई नहीं देगा, बहुत गहरा घाव है, मेरा हृदय घायल हो चुका है। क्या कह रही हो बहन, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें घायल करने का उस मानव को हम कठोर दंड देंगे। नहीं, कदापि नहीं। उसे क्षति पहुंचाने का ध्यान अपने मन में भी न लाना। परंतु क्यों? क्योंकि उसने अपनी पौरुष और सुंदरता से मुझे घायल किया है। उसकी एक झलक ने मेरे जीवन का सूनापन दूर किया है। उसे देखते ही मैं उस पर मोहित हो गई। राक्षसी और वो एक तुच्छ मानव पर मोहित हो गई? हम राक्षस मानवों से श्रेष्ठ हैं, हमें इस प्रकार उनकी प्रशंसा करना शोभा नहीं देता। बहन, राता रावण सुनेंगे तो क्रोध से पागल हो जाएंगे। मुझे मेरे प्रिय भ्राता रावण ने वचन दिया है कि जिसे भी मैं अपने पति के रूप में चुनूंगी उसे वे सहर्ष स्वीकार करेंगे। तुम लोग चिंता मत करो, मुझे बस इतना ही जानना है कि उसने मुझे तो मोहित कर दिया, परंतु मैं उसे मोहित कैसे करूंगी? और ये मैं जानकर ही रहूंगी। बहन, भ्राता खर और दूषण के बंदी हो ऋषि, यदि तुमने मेरी सहायता की तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी।
मुझे तुम्हारी बात पर तनिक भी विश्वास नहीं, किंतु मैं एक ऋषि हूं, सहायता करना मेरा धर्म है। बताओ क्या चाहती हो? मुझे बस इतना बता दो, किसी मानव को आकर्षित करने तथा मोहित करने के लिए क्या करना चाहिए? मानव केवल मानवता पर आकर्षित हो सकता है, मानव किसी के रूप पर नहीं, उसकी विनम्रता पर, उसके निवेदन पर मोहित हो सकता है। पर यह यदि तुम अपने लिए पूछ रही हो, तो मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि यदि तुम किसी मानव को आकर्षित करना चाहती हो, मोहित करना चाहती हो, तो यह व्यर्थ है। तुम राक्षसों में ये गुण होते ही नहीं, हो ही नहीं सकते। मैं उसके लिए मानवता और विनम्रता की मूर्ति बन जाऊंगी, अपने घुटनों पर बैठकर उसे निवेदन करूंगी। तुम्हारा धन्यवाद ऋषि। तुमने मुझे मुक्त करने का वचन दिया था और तुमने उसे सत्य मान लिया। मूर्ख, छल हम राक्षसों की संस्कृति है। हम अपनी संस्कृति थोड़ी देर के लिए भूल तो सकते हैं, पर सदा के लिए छोड़ नहीं सकते। आर्यपुत्र, देवी, आपके हाथ का स्वादिष्ट भोजन मुझे इतना भा रहा है कि अब मुझे चिंता हो रही है कि अयोध्या लौटने पर मेरा क्या होगा। मैं आपकी चिंता का कारण समझ नहीं पाई। अयोध्या लौटने पर क्या होगा? अयोध्या का श्रेष्ठतम रसोईया भी ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकता, और राजभवन के नियम आपको पाकशाला में जाने नहीं देंगे। अब फिर मेरा क्या होगा देवी? कोई भी नियम पत्नी को उसका पत्नी धर्म निभाने से रोक नहीं सकता है। पत्नी का धर्म है पति को सुख पहुंचाना। यदि आपको मेरा बनाया भोजन भाता है, तो मैं हर नियम तोड़कर आपके लिए भोजन बनाऊंगी। मैं जब जनकपुरी में थी तो पिताश्री के लिए स्वयं भोजन बनाती थी। आप चिंता ना करें, भोजन परोस दूं। लक्ष्मण कहाँ रह गया? वो आए तो भोजन करें, मैं देखता हूं। लक्ष्मण, लक्ष्मण, अनुज, जीवन में तुम जैसा दूसरा मानव नहीं देखा। अवश्य ही मानवों में तुम श्रेष्ठ हो। कौन हो तुम? देवी, मैं दशरथ पुत्र राम हूं। राम, जितना सुंदर रूप है उतना ही सुंदर नाम। आपका परिचय देवी? जिस प्रकार तुम मानवों में श्रेष्ठ हो, उसी प्रकार मैं राक्षसों में श्रेष्ठ हूं। मैं अजय योद्धा लंका नरेश रावण की बहन शूर्पनखा राक्षसी हूँ। राक्षसी? पर आपने तो मानवी वेश बना रखा है। तुम्हारे लिए राम, केवल तुम्हारे लिए। मैं समझा नहीं देवी। जिस क्षण से मैंने तुम्हें देखा है, उसी क्षण से मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ। तुम सूर्य की वंदना कर रहे थे और मैं तुम्हारी आराधना कर रही थी। मैं तुम्हारे समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। प्रशंसा के लिए धन्यवाद देवी, किंतु
वो कुटिया देख रही हैं आप? हाँ, देख रही हूँ। उस कुटिया में एक सुंदर नारी है और वो सुंदर नारी मेरी धर्म पत्नी है। मैं विवाहित हूँ देवी। तो क्या हुआ, हम राक्षसों में भी कितने ही विवाह कर सकते हैं, और मैं जानती हूँ कि तो मानवों में भी यही परंपरा है। किंतु मैंने एक पत्नी व्रत लिया है देवी। मेरे तन मन जीवन और आत्मा पर मेरी पत्नी का संपूर्ण अधिकार है, और उसके रहते और किसी नारी के विषय में मैं सोच भी नहीं सकता। ये कौन है? ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। तुम्हारा ध्यान मन से निकालना बहुत कठिन है, पर ये भी तो रूपवान है। यदि तुम मुझसे विवाह नहीं कर सकते तो ये तो कर सकता है। आप ही पूछकर देखिए ना देवी। आप कौन है देवी? मैं राक्षसी शूर्पणखा हूँ। मुझे अपने लिए एक वर की खोज है, क्या तुम मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करोगे? मुझे खेद है देवी कि मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। क्यों, क्या तुम भी अकेले नहीं हो? मैं भी और नहीं भी। अर्थात? नहीं इसलिए देवी कि मेरी एक धर्म पत्नी है, और हूं इसलिए कि इस समय वो मेरे साथ नहीं है। मर्यादा का कर दिया शूर्पणखा ने त्याग, उसके तन मन में जले कामुकता के आग। लक्ष्मण से है पाके भला कैसे यह व्यवहार, लज्जा है सबसे बड़ा नारी का श्रृंगार, नारी का श्रृंगार। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण, ओम की कथा महान, जय श्री विष्णु।